बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि अगर लेबर कोर्ट के किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट किसी भी ग्रीव पर्सन ने कोई अपील करनी है तो किस फॉरम पे जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रिलेवेंट प्रोविजन की। तो सेक्शन 47 PIRA यानी कि पंजाब इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट 2012 क्लियरली इसके बारे में बताता है कि कौन अथॉरिटी है जो एज ए अपीलेट ट्रिब्यूनल काम करेगी और उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। Establishment and composition of labor appellate tribunal under section 47 class 1. The government may by notification in the official gazette constitute as many tribunal consisting of one member as it necessary, and where it constitute more than one tribunal it shall specify in the notification that territorial limits with which are the classes of cases shall exercise. ये जो है ना, ये पंजाब गवर्नमेंट की यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शन है कि वो बेशक एक ट्रिब्यूनल को जो है वो उसको बनाए, उसको इस्टेब्लिश करे या फिर एक से ज़्यादा इस्टेब्लिश करे, जितने भी उसको ज़रूरी लगेंगे वो एक प्रोविंस में ट्रिब्यूनल्स जो हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल्स वो इस्टेब्लिश कर सकती है, और उसके लिए जो है उसको ऑफिशियल गजट में जो है एक बाकायदा नोटिफिकेशन देना होगा। मेम्बर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, अब जो उसका मेंबर है जो हाई अथॉरिटी या अपील सुनने के लिए, वो कौन होगा? पर्सन हु हैज़ बीन अ जज और एडिशनल जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, जो लाहौर हाई कोर्ट का या एडिशनल जज है या फिर वो जज है या फिर वो जज रह चुका है यानी कि रिटायर्ड जज है, वो भी एज ए अपीलेट ट्रिब्यूनल काम कर सकता है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल वाइल डिसाइडिंग अपील फाइल्ड बाई अग्रीव पर्सन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ लेबर कोर्ट कैन एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स। अब हम वन बाई वन देख लेते हैं कौन कौन सी पावर्स हैं वो ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। पावर टू कन्फर्म ऑर्डर्स, अब उसके पास जो ऑर्डर आया है अगर उसे लगे कि ऑर्डर ये जो मतलब एक डिसीजन है लेबर कोर्ट का या जो उसने ऑर्डर इशू किया है वो ठीक है तो वो उसको कंफर्म भी कर सकता है। पावर टू सेट असाइड ऑर्डर, उसको सेट असाइड कर दे यानी कि और कहे कि दोबारा से इसकी जो है सारी हेयरिंग और सारी प्रोसीडिंग्स दोबारा से होगी, ये भी उसके पास अथॉरिटी है, वो ये भी करवा सकता है। पावर टू वेरी और मॉडिफाई द अवार्ड डिसीजन और सेंटेंस, ये लेबर कोर्ट की दी हुई कोई सज़ा है या कोई डिसीजन है या कोई अवार्ड जो लेबर कोर्ट ने इशू किया है उसके पास अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास ये अथॉरिटी है कि या तो उसको कम कर दें या उसको ज़्यादा कर दें या उसको ख़त्म कर दें, उसको मॉडिफाई कर दें, ये उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है उसके पास ये अथॉरिटी है, वो उस तरह वो जो चाहे वो उसको कर सकता है। पावर टू कॉल फॉर रिकॉर्ड, ट्रिब्यूनल जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल उसके पास ये पावर है कि वो लेबर कोर्ट को कहे कि जो प्रोसीडिंग्स है उसका रिकॉर्ड उसको सेंड करे, तो वो उसको अगर चाहे तो उसकी इंस्पेक्शन भी कर सकती है, उसको देख भी सकती है। पावर टू प्रोवाइड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड, नो ऑर्डर शेल बी पास्ड रिवाइजिंग और मॉडिफाइंग एनी ऑर्डर एडवर्सली अफेक्टिंग एनी पर्सन विदाउट गिविंग सच पर्सन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर्ड। अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो कोई डिसीजन लेता है और उससे किसी जो दूसरी पार्टी है उसको कोई सीरियस उसको कोई लाइक कोई नुकसान हो जाता है या उसको उससे कोई अग्रीव्ड उससे कोई दूसरी पार्टी या कोई पर्सन हो रहा है तो उसका जो है उसको रीजनेबल टाइम देगी कि वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने रखे। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ट्रांसफ़र केसेस ऑन इट्स ऑन मोशन और ऑन एप्लीकेशन ऑफ अग्रीव पार्टी, ट्रिब्यूनल जो है वो केसेस को ट्रांसफ़र कर सकता है एक से दूसरे कोर्ट में। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प, अब हम देखते हैं कि पीरियड टू डिसाइड अपील कितने डेज का टाइम पीरियड है अपने ट्रिब्यूनल के पास कि वो अपना केस डिसाइड करे, विद इन 120 डेज यानी कि 120 दिन डिसीजन शैल नॉट बी इनवैलिड बाई रीज़न ऑफ एनी डिले। 120 डेज यानी कि अराउंड 4 मंथ्स में जो है वो कोर्ट ने अपना डिसीजन ट्रिब्यूनल अपीलेट जो ट्रिब्यूनल से अपना डिसीजन देना है, लेकिन वर्स करें अगर किसी वजह से डिले डिसीजन हो जाता है तो ये नहीं कि उसको इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा, वो भी वैलिड डिसीजन ही कंसिडर किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि अपील टू लाहौर हाई कोर्ट, कब अग्रीव पार्टी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को अपील कर सकती है अगर इन केस ट्रिब्यूनल का डिसीजन उसके लिए कोई किसी ग्रीव का बायस बन जाता है तो वो कब हाई कोर्ट को अप्रोच करेगी? एनी पर्सन हु इज़ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस
टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी पीरियड, या एक बंदा जिसको सजा दी है किसी भी ड्यूरेशन टाइम पीरियड है, 6 महीने है, 1 साल है, 2 साल है, जितनी भी है, अगर एपलेट ट्रिब्यूनल उसको पनिशमेंट दी है इम्प्रिजनमेंट की, या फिर उसको फाइन किया है 15,000 से ज़्यादा एक्सीडिंग 15,000 विद इन 30 डेज, दैट पर्सन कैन कन्फर एन अपील टू लेबर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट सॉरी। तो विद इन 30 डेज जो है उस पर्सन के पास ये राइट है कि वो लाहौर हाई कोर्ट को अपील कर सकता है। स्टेइंग ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 क्लास 11, इफ़ एन अपील प्रेफर टू ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ लेबर कोर्ट डायरेक्टिंग द री स्टेटमेंट ऑफ अ वर्कमैन एंड ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर स्टेइंग द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर एंड शेल डिसाइड सच अपील विद इन 90 डेज। अब देखें, अगर कोई अपील जाती है, इट डज़ नॉट मीन कि हर अपील जो है वो जो अपेलेट ट्रिब्यूनल है उसको कंसिडर करेगा या उसको देखेगा। अगर फर्ज करें एक बंदा है, उसकी सर्विस किसी वजह से सस्पेंड थी, बाद में उसको रीइंस्टेट कर दिया गया है, कोई अग्रीव पर्सन जो है वो जाके अपील करते हैं उसकी रीइंस्टेटमेंट के अगेंस्ट, तो ट्रिब्यूनल कोर्ट ऐसा नहीं है कि उसकी अपील के ऊपर फौरन परस्यू करेगा, वो अपने उस अप जो उसने जो अपील फाइल की होगी उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं या जो ऑपरेशन है उसको होल्ड कर देगा और खुद से इंक्वायरी करेगा विद इन 90 डेज, यानी कि विद इन 3 मंथ्स वो जो है वो अपना नया जो ऑर्डर होगा या उसकी रीइंस्टेटमेंट के बारे में कि आइदर उसको रीइंस्टेटमेंट मिलनी चाहिए, उसको रीइंस्टेट करना चाहिए या फिर उसको जो है नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो अपेलेट ट्रिब्यूनल है वो अपना डिसीजन देगी। इंटरिम ऑर्डर शैल स्टैंड वैकेटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। अब एक ट्रिब्यूनल अपेलेट ट्रिब्यूनल एक डिसीजन कर दिया है तो 90 डेज के तक उसकी वैलिडिटी है। अगर 90 डेज के बाद वो कोई अपना फाइनल डिसीजन नहीं देती तो जो इंटरिम डिसीजन होगा वो आफ्टर 90 डेज उसकी वैलिडिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और अपेलेट ट्रिब्यूनल को कोई अपना नेक्स्ट डिसीजन जो है वो जारी करना होगा। तो आज का टॉपिक यही था। अक्सर वो काज जो होता है कि जो एग्जामिनर है लाइक शॉर्ट नोट के तौर पे इस तरह के टॉपिक्स दे देता है कि अपेलेट ट्रिब्यूनल क्या है या हाई कोर्ट में कब अपील जो है वो प्रेफर की जाती है, तो इसलिए बेहतर है कि आप छोटे छोटे टॉपिक को भी ज़रा देख लिया करें ताकि इन केस कोई चॉइस ना हो तो आप इनको सॉल्व कर सकें। आज के लिए यही था, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे या नेक्स्ट जब भी कोई मेरा लेक्चर होगा तब मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।